दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चे बेचारे इतनी ठंड में फिजिकल दे रहे थे, एकदम से उनको सूचना मिली है कि उनका मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। मेडिकल का फॉर्म डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसमें डिटेल विटेल भर लो, आपको तुरंत डेट दी जाएगी, भाग भाग के मेडिकल करवा लेना। मेडिकल उन्हीं को करवाना है जो पास हो जाए, फेल वाला मत करवा लेना, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है फिजिकल का, यानी कि रिजल्ट भी साथ साथ ही बन रहा है। मुझे लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपको ठप्पा लगा के दिया जा रहा है ना, जिसका मेडिकल पास, वो जाओ और मेडिकल दो। शायद ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल का डेट आएगा उसके बाद, नहीं, साथ साथ ही शायद प्रोसीजर स्टार्ट होगा फिजिकल मेडिकल का। आपकी बेटा ज्वाइनिंग बहुत जल्द आने वाली है, इतनी जल्दी नौकरी किसी ने नहीं देखी होगी कि फार्म आया और तुरंत धड़ा धड़ा के नौकरी आ गई हाथ में। तो देखो बेटा क्या है इसमें, आप जाओ दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। आजकल दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आप अपने मोबाइल के ऊपर ही रखा करो, कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब बुलावा आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, दिल्ली पुलिस डालना, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आएगी। ये मेन्यू होता है बेटा, आपको किसी को ना बताओ तो बता दो, ये तीन डॉट सी होती है ना ऐसे, ये इस पे जाना, इस पे जाते ये खुलेगा, यहाँ रिक्रूटमेंट का जो आए ना ऑप्शन जिसमें से, उसको क्लिक कर लेना, बाकी को नहीं देखना है। रिक्रूटमेंट को क्लिक करते ही दो ऑप्शन खुलेंगे, रिक्रूटमेंट और रिजल्ट। तो रिक्रूटमेंट वाले पे खोल लो, रिजल्ट हम बाद में देखेंगे किसी दिन। फिर आपको ये नोटिस आएंगे, एक नंबर नोटिस है ना बेटा, वो तो है फॉर्म, आपको जो फॉर्म भरना है, और दो नंबर में आपका क्या है, नोटिस है। दो नंबर को क्लिक करोगे ना तो वो कैसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, ठीक है। किसका आ गया बेटा, आपका कॉन्स्टेबल का आ गया है, एग्ज़ाम 2023 का। अब इन्होंने बोला है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो क्वालिफाइड डिक्लेयर किए जा रहे हैं फिजिकल के ऑल इवेंट में, यानी कि आपका माप हो गया, आपकी दौड़ कूद सब चीज़ों में अगर आप क्वालिफाई हो गए और आपको ठप्पा लगा के दे दिया, तो रिजल्ट का वेट बेटा मत करो फिजिकल का। ये बोल रहे हैं कि जो क्वालिफाइड डिक्लेयर हो गए उनको क्या करना है, उनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्या करना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं करना है, उनको डाउनलोड करना है मेडिकल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म, जिसका दिल्ली पुलिस के फॉर्म के लिए होता है F37 फॉर्म, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, पर ऑफिशियल वेबसाइट पे सर पटक पटक के मर जाओ, ये फॉर्म आपको नहीं मिलने वाला, ये गारंटी है, ठीक है। मैंने बहुत देखा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको वो फॉर्म दे दूंगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, नोटबुक एकेडमी। एक बेटा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लो, व्हाट्सएप का है हमारा नोटबुक एकेडमी, मैं वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करके बेटा भर लें। अच्छा, आपने डाउनलोड कर भी लिया, आपने वो फिलअप कर लिया जो जो डिटेल उसमें भरी थी, अब आपको तीन सेट और चाहिए, ठीक है, फोटोकॉपी के। फोटोकॉपी किसकी करानी है आपने बेटा, फोटोकॉपी करानी है आपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरते टाइम जो जो डिटेल मांगी थी उसके हिसाब से, मेनली बता दूं बेटा, आपका आधार कार्ड ले लो, 10वीं की DMC ले लो, 12वीं की DMC ले लो, अगर कोई बंदा OBC का है तो OBC सर्टिफिकेट ले लो, EWS, SC, ST जो भी है वो अपना ले लो, ठीक है, वो ले लिया। उसके बाद अपनी फ़ोटो हो गई आपकी ज़रूरी में, ID में आधार कार्ड आ गया, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ज़रूरत रह नहीं जाती। एक आपका मेडिकल का फॉर्म हो जाएगा। हाँ, जो आपका फिजिकल फिट का वो देते हैं ना कि फिजिकल में आप पास हो गए, वो भी तो लेके जाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड वगैरह भी ले जाना। और दूसरी बात, अगर इस दौरान जब आपका बुलावा आए, रिजल्ट वगैरह आ जाए या कोई एडमिट कार्ड आ जाए मेडिकल के, तो वो भी ले जाना, जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है। वो चीज़ जो है वो आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे, वेरी शॉर्टली का मतलब समझते हो, शॉर्टली कुछ मतलब थोड़े टाइम बाद, वेरी शॉर्टली बहुत जल्दी आने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको ये एडवाइस दे दी बेटा, कोई लेट रह जाए, नौकरी वोकरी लग जाए, खाम खा में उसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पहले से ही फॉलो कर लें, साथ साथ फिजिकल भी करते रहें। आपको मेडिकल का फॉर्म भी बेटा मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ, नोटबुक एकेडमी पे हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली जेल वार्डन, SSCGD, CSIR, DSSSB में बेटा कई भर्ती आई है, कोर्ट में भर्ती आई है, जनरल बैच LDC 10 ग्रेड 4 के लिए, और आपका नर्सरी बैच NTT के टीचर के लिए, चंडीगढ़ टीचर, और बेटा चालक बैच हम इंडिया पोस्ट ऑफिस ड्राइवर के लिए, और एक ITPP ड्राइवर के लिए भी भर्ती है। तो ये बेटा हम लाए हैं, आप नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और ये कोर्स ले सकते हो। जहाँ तक बेटा मैं बात करूँ, ये आपका मेडिकल फॉर्म है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें,
धन्यवाद बेटा।